नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाशमणि पीएम्स क्विजिन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे ताज़ा नारियल के लड्डू और बर्फी। इसे हम घर में आसानी से मिलने वाली सामग्री से बनाएंगे, वो भी सिर्फ 3 सामग्री से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारे पास 2 नारियल की गिरी है। अब हमें इस गिरी या चटक के पीछे जो ब्राउन वाला पार्ट है इसको हटाना है। इसको या तो आप चाकू की मदद से हटा सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर इस अदरक किसने से इसको हटाना बहुत आसान लगता है, इसलिए मैं इस गिरी को हल्का हल्का इस तरह से क्रश कर लूँगी ताकि पीछे का पार्ट ब्राउन वाला पूरा निकल जाए। इस तरह से किसने में किसने पर ब्राउन वाले पार्ट की एकदम पतली परत निकलती, इसलिए हम इसको किसने में किस रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हम सारी चटक या गिरी को रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमने रेडी कर लिया है। अगर आप चाहें तो इस गिरी के ब्राउन वाले पार्ट को किसी सब्जी की ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं चटक के। ये देखिए, इस तरह से हम सारी चटक को इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारी गिरी को रेडी कर लिया है। अब इस चटक या गिरी को हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे, हमें इसको पीसना है। ये देखिए, हमने मिक्सी का एक बड़ा जार लिया है ताकि हम सारी चटक को एक साथ पीस पाएँ। हम सारी गिरी या चटक को मिक्सी के जार में डाल देंगे और जार का ढक्कन बंद कर देंगे। अब इसको हमें पीसना है। ये देखिए, हमने गिरी को पीस लिया है। हमें इस तरह का पाउडर चाहिए गिरी का। ये देखिए किस तरह से बिखरा बिखरा है। हमने एक पैन को गर्म रख दिया है। इसमें हम डाल रहे हैं हमारी फ्रेश पीसी हुई गिरी या चटक। इसको हम इस तरह से नाप कर डालेंगे। हम फ्रेश पीसी हुई गिरी या चटक को मेजर करके इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम आगे की सामग्री को उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। ये देखिए, हमने 5 कटोरी फ्रेश कसा हुआ कोकोनट डाल दिया है इसमें। अब हम इस फ्रेश कोकोनट या गिरी को इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। इस वक्त हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। ये देखिए, हमने गिरी को इस तरह से भूनते हुए उसकी सारी नमी को हटा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी दूध। ये बॉइल्ड मिल्क है। इसमें हम एक और कटोरी दूध डालेंगे। हम यहाँ पर 5 कटोरी पीसी हुई गिरी के ऊपर 2 कटोरी दूध ले रहे हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस वक्त थोड़ी देर के लिए हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम पर कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको इस तरह से हम चलाते हुए भून लेंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे कि जब तक हमारी सारी गिरी मिल्क को एब्जॉर्ब न कर ले। अब गिरी ने मिल्क को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखिए, अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर इतने मिश्रण के लिए 1 कटोरी शक्कर सफिशियंट लग रही है। इस वक्त हम गैस का फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और उसको इस तरह से चलाते हुए हम भून लेंगे। शक्कर या चीनी डालने के बाद मिश्रण में थोड़ी नमी आ गई है, इसको हम इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। इस वक्त भी हम गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखेंगे। अगर आप चाहें इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट डालना या इलायची पाउडर डालना तो आप इसी स्टेज पर इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, प्लेन ही बना रही हूँ। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही हो चुकी है। ये देखिए, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इसको गैस पर से उतार लेते हैं हम। इस मिश्रण से हम बर्फ़ी और लड्डू दोनों बनाएंगे। हमने बर्फ़ी बनाने के लिए एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम आधा मिश्रण डाल देंगे। ये देखिए, हमने आधे मिश्रण को प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको हम इस तरह से दबाते हुए सेट कर लेंगे। ये देखिए, हमने प्लेट को सेट कर दिया है। अब हम इस प्लेट को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब हम इस मिश्रण से लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस बचे हुए आधे मिश्रण से हम थोड़ा मिश्रण का पार्ट हाथों में लेंगे और उसको इस तरह से दबाते हुए हम लड्डू का शेप दे देंगे। ये देखिए, आप अपने हिसाब से लड्डू की साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको इस साइज़ का बना रही हूँ। हम इसी तरह से सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। लड्डू को बनाते वक्त आप चाहें तो थोड़ा सा घी का हाथ भी ले सकते हैं। ये देखिए, हमने सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब हमारी ये प्लेट भी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं ताकि आप जल्दी से इसके पीसेस को कट कर पाएँ। अब हम इसको चाकू की सहायता से पीसेस में कट कर लेंगे। आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं।
ये देखिए हमने इसको पीसेस में कट कर लिया है। अब हमारी बर्फी बनकर एकदम रेडी है। इसको हम एक पीस निकाल कर देख लेते हैं। ये देखिए हमारी बर्फी कितनी आसानी से कितने अच्छे से निकल रही है। आपको मेरी ताज़ा नारियल से बनी हुई ये बर्फी और लड्डू की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।